तो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो गाइस, क्या आप भी केव्स को एक्सप्लोर करके थक गए हैं, लेकिन अब भी आपको एंशियन सिटी और स्मेरल्डा वॉस वार्डन नहीं मिला है? और अगर मिल भी गया है तो आप किसी रीज़न से दूसरे एंशियन सिटी में जाना चाहते हैं? तो वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप पॉकेट एडिशन में एक दो नहीं बल्कि ढेर सारी एंशियन सिटीज कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ इजी स्टेप्स बताऊंगा जिसे फॉलो कर आप एंशियन सिटी बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने वर्ल्ड की सीट को जानना होगा। सीट को जानने के लिए आपको सेटिंग्स में आना होगा। सेटिंग्स में आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर आना है और ये देखिए मेरे वर्ल्ड की सीट दिख रही है और ऐसे ही आपके वर्ल्ड की भी सीट दिखेगी। आपको ये वाली सीट नोट डाउन नहीं करनी है, आपको अपने वर्ल्ड की सीट नोट डाउन करनी है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, मैं अपने वाले वर्ल्ड की सीट नोट डाउन कर ले रहा हूँ। इसके बाद आपको अपने रिस्पॉन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को जानना होगा। तो देखिए, मेरे में तो कोऑर्डिनेट्स शो नहीं कर रहा है, तो मैं भी इसे सेटिंग से ऑन कर ले रहा हूँ। अगर आपके में भी शो नहीं कर रहा है तो आप भी इसे सेटिंग से ऑन कर लीजिए। तो ये देखिए, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है सेटिंग्स में और ये शो कोऑर्डिनेट्स वाला ऑप्शन है, इसे ऑन कर देना है। ये देखिए, मैंने ऑन कर दिया है और अब देखिए मेरे कोऑर्डिनेट्स दिखाने लगे हैं। तो आपको एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट नोट करने हैं। आपको बीच वाले जो कि 67 है मेरा, वाई एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट्स नोट नहीं करने हैं। तो गाइस, मेरे एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं 19 और जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट हैं 80। तो मैं इसे नोट कर लेता हूँ और आपको अपने एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट नोट करना है। आपको मेरे वाले वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट्स को नोट नहीं करना है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले अपने वर्ल्ड की सीट को नोट डाउन कर लेना है, उसके बाद आपको एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट्स नोट डाउन कर लेना है। और उसके बाद आपको सिंपली गूगल एप्लीकेशन ओपन करनी है। यहाँ पर आपको चंक बेस सर्च कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने पहले से ही सर्च करके रखा है। और इसके बाद आपको सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ये देखिए चंक बेस ओपन हो चुका है। इसके बाद आपको ऐप्स वाले सेक्शन पर ये देखिए दिख रहा है शुरू में ही, इस पर आपको टैप कर देना है। और इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर आना है और ये देखिए ओवरवर्ल्ड वाले ऑप्शन में आप और नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये एंशियंट सिटी वाला ऑप्शन आ रहा है। तो आप इसी एंशियंट सिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। एंशियंट सिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा और इसके बाद आपको यहाँ पर अपने वर्ल्ड की सीट को नोट डाउन करना है। तो ये देखिए, मैंने अपने वर्ल्ड की सीट को इंटर कर दिया है। और उसके बाद आपको यहाँ से अपना वर्जन सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको बेडरॉक 1.19 वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि पॉकेट एडिशन और बेडरॉक 1.19 या बेडरॉक के मैप एक जैसे होते हैं या वर्ल्ड एक जैसे होते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर अपने एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट्स नोट डाउन कर लेना है। तो मेरे एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट्स 19 थे और जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट्स 80 थे। तो देखिए, मैंने इसको नोट डाउन कर दिया है। इसके बाद आपको गो वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है और ये देखिए, ये रेड वाला ऑप्शन आपके रिस्पॉन पॉइंट को दिखा रहा है और आपको इसको और छोटा कर लेना है। और ये देखिए, जो ब्लैक डॉट्स हैं ये आपके अगल बगल के एंशियंट सिटीज़ को दिखा रहे हैं। तो आपको अपने सबसे नज़दीक वाले एंशियंट सिटी में जाना होगा। तो मेरे हिसाब से ये वाली एंशियंट सिटीज़ मेरे लिए मेरे बहुत पास है। तो ये देखिए, मैं इसको और जूम करूँगा तो ये देखिए कि ब्लैक डॉट और बड़ा हो जाएगा। और इस ब्लैक डॉट पर आपको क्लिक करना है और ये देखिए एंशियंट सिटी का पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट्स आपके सामने आ चुके हैं। तो ये देखिए 920 -51 और -1048 एंशियंट सिटी के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आपको इसको नोट डाउन कर लेना है और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। अब आपको जो आपने कोऑर्डिनेट्स चंक बेस से नोट डाउन किए हैं, आपको वहाँ पर जाना होगा। तो ये देखिए, मैंने एक्स एक्सिस के 920, वाई एक्सिस के -51 और जेड एक्सिस के -1048 नोट डाउन किए हैं। तो क्या मैं उतना दूर पैदल चल कर जाऊँगा? नहीं। क्या मैं क्रिएटिव मोड से ऐसे उड़कर भी जाऊंगा? नहीं। मैं सिंपली यहाँ से वहाँ पर, यानी कि एंशियंट सिटी में मैं टेलीपोर्ट हो जाऊँगा। तो ये देखिए, मैं कैसे टेलीपोर्ट होता हूँ और आपको भी ऐसा करना है ताकि आपका टाइम बच जाए। तो ये देखिए, आपको चैट एंड कमांड सेक्शन में जाना है। यहाँ पर आपको कमांड सेट कर लेना है tp@p, और उसके बाद आपने जो कोऑर्डिनेट्स नोट डाउन किए हैं वही वाले आपको टाइप कर देने हैं। तो देखिए, यही वाले कोऑर्डिनेट्स मैंने नोट डाउन किए हैं और यही आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद आपको ये एरो वाला साइन है, इस पर क्लिक कर देना है
और आप कुछ ही देर में एंशिएंट सिटी में टेलीपोर्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए कुछ देर बाद ये रेंडर होने लगेगा। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई, आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स वही हैं और मैं डायरेक्ट एंशिएंट सिटी में टेलीपोर्ट हो चुका हूँ। और मैंने नाइट विजन पोशन पी रखी है इसलिए बहुत ही क्लियर दिख रहा है। और ये देखिए मैं एंशिएंट सिटी में पहुँच चुका है। और अगर आपको भी वार्डन से रिलेटेड कुछ और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं इस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। वार्डन से रिलेटेड मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने वाला हूं। और ये देख सकते हैं एंशिएंट सिटी में हम लोग टेलीपोर्ट हो चुके हैं। यही सारे स्टेप्स को फॉलो कर आप एंशिएंट सिटी को बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।